हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रैंड स्लैम 2022 के जो विजेता रहे हैं, उपविजेता रहे हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यहाँ से जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो आपका, रेलवे का हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो। तो देखो, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम, जो ग्रैंड स्लैम ये टाइटल है, ये एक साल में चार बार खेला जाता है। और उन चार बार में क्या क्या नाम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विंबलडन ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। और इन चारों जो खेलों की जो शुरुआत है वो कौन से वर्ष में हुई, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। तो विंबलडन ओपन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1877 ईस्वी में, और फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 ईस्वी में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 ईस्वी में, और यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन की जो शुरुआत है ये हुई थी 1881 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम ये पता लगा सकते हैं भाई, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम खेल कौन सा है या सबसे नया ग्रैंड स्लैम खेल कौन सा है। तो सबसे पुराना यहाँ से पता चल रहा है, सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है, विंबलडन ओपन है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1877 ईस्वी में, और सबसे नया कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1905 ईस्वी में। तो अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि 2022 में इन खेलों के कौन विजेता रहे हैं और कौन उपविजेता रहे हैं। और जो ये खेल हैं, पुरुष में अलग खेला जाता है और महिलाओं में अलग खेला जाता है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2022 के जो पुरुष विजेता रहे हैं वो रहे हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। तो नोवाक जोकोविच पुरुष विजेता रहे हैं 2022 के। और आजकल जो एग्जाम्स में ट्रेंड है, विजेता को कोई नहीं पूछता, तो पूछा जाता है ज़्यादातर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो उपविजेता पूछा जाता है, जो नोवाक जोकोविच ने किसको हराया था, तो वो हराया था फाइनल में निक क्रियोस को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये पुरुष एकल विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, उपविजेता कौन रहे हैं, निक क्रियोस। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, महिला विंबलडन ओपन 2022 के विजेता और उपविजेता कौन रही हैं, तो विजेता रही हैं एलेना रीवाकीना। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो ये पहली महिला रही हैं कजाकिस्तान की जिन्होंने विंबलडन ओपन का खिताब जीता है अब तक, यानी कि 1877 से और अब तक पहली बार कजाकिस्तान की पहली महिला रही हैं जिन्होंने ये विंबलडन ओपन का जो खिताब जीता है। और उपविजेता कौन रही हैं, तो उपविजेता रही हैं जॉन्स जेवियर। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये ट्यूनीसिया से बिलोंग करती हैं। और जो महिला रही हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो ध्यान रखना है, विंबलडन ओपन पुरुष में अलग ध्यान रखना है, पुरुष विजेता कौन रहे हैं और महिला विजेता कौन रही हैं। तो सबसे जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने अभी तक 21 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल का अवार्ड जीत चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो जीता है वो जीता है राफेल नडाल ने 22 बार। तो ये भी ध्यान रखना है भाई, सबसे ज़्यादा बार जो ग्रैंड स्लैम टाइटल का अवार्ड है ये किसने जीता है, राफेल नडाल ने। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फ्रेंच ओपन 2022 के जो पुरुष विजेता रहे हैं वो हमारे रहे हैं राफेल नडाल। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। तो ध्यान रखना है, पुरुष विजेता 2022 फ्रेंच ओपन के कौन रहे हैं, राफेल नडाल, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया था, तो इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके नॉर्वे से। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें महिला विजेता फ्रेंच ओपन कौन रही हैं 2022 में, तो ये रही हैं ईगा स्वीटेक। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने फाइनल में किस महिला को हराया था, तो इन्होंने हराया था कोको गॉफ को। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो ध्यान रखना है, फ्रेंच ओपन फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी, 1891 में। और फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष विजेता कौन रहे हैं और महिला विजेता कौन रही है, और पुरुष उपविजेता कौन रहा है और महिला उपविजेता कौन रही है। तो चारों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
उपविजेता भी इम्पोर्टेंट है, तो उपविजेता भी आपको याद रखने हैं। तो विजेता रहे राफेल नडाल, और राफेल नडाल ने अब तक सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम का अवार्ड जीता है। और महिला रही हैं आपकी इगा स्वीटेक पोलैंड से, और पुरुष यहाँ पे उपविजेता की बात करें, पुरुष उपविजेता रहा है कैस्पर रूड, कहाँ से हैं, नॉर्वे से, और महिला उपविजेता रही हैं कोको गॉफ, कहाँ से बिलोंग करती हैं, अमेरिका से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1905 में, और 2022 के जो टाइटल जीते हैं वो किसने जीते हैं, तो पुरुष में जीते हैं राफेल नडाल ने। दोबारा है राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन भी 2022 भी जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी 2022 जीता है। और राफेल नडाल यहाँ पर हार गए थे नोवाक जोकोविच से सेमीफाइनल में, क्योंकि उनकी इंजरी हो गई थी। तो यहाँ पर जो राफेल नडाल है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। और उपविजेता कौन रहे हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के उपविजेता रहे हैं, तो ध्यान रखना है दानिल मेदवेदम, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं रूस से। अगर महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो महिला खिलाड़ी में जो विजेता रही हैं वो रही हैं एस्ले बाल्टी, और कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये करती हैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग। और जो महिला उपविजेता रही हैं वो रही हैं डैनियल कॉलिंस, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, और ये बिलोंग करती हैं आपकी अमेरिका से। तो ध्यान रखना है कौन सा खिलाड़ी किसने जीता है, और वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन उपविजेता रहा है, और कौन वहाँ पे विजेता रहा है, महिला विजेता, पुरुष विजेता, और पुरुष उपविजेता और महिला उपविजेता, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट वन है यूएस ओपन। यूएस ओपन की जो शुरुआत हुई है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हुई थी 1881 ईस्वी में। और अभी तक ये जो ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन है ये अभी तक मतलब 2022 में हुआ नहीं है, ये होगा आपका सेप्टेम्बर में स्टार्ट होगा। तो इसलिए 2021 के जो विजेता और उपविजेता रहे हैं वो हमें याद रखने हैं अभी। तो 2021 के जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं दानिल मेदवेदम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूस से। पुरुष विजेता रहे हैं, और महिला उपविजेता कौन रही हैं, एमा राडुकानू, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं ब्रिटेन से। अगर यहाँ पे बात करें यूएस ओपन के उपविजेता, और ये ध्यान रखना है ये 2021 के, 2022 के अभी हुए नहीं है। तो 2021 के पुरुष उपविजेता कौन रहे हैं, वो रहे हैं नोवाक जोकोविच, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और महिला उपविजेता कौन रही हैं, लेला एनी फर्नांडिस, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों ये सारे जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, टाइटल होते हैं, एक साल में चार बार आयोजित किए जाते हैं। 2022 में तीन तो हो चुके हैं आयोजित, विंबलडन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, अभी यूएस ओपन हुआ नहीं है, ये आने वाले कुछ मंथ में होगा, सितंबर में होगा। तो हमें ये याद रखने हैं इनके विजेता कौन रहे हैं, उपविजेता कौन रहे हैं, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। उपविजेता आजकल जो एग्जाम्स चल रहे हैं उपविजेता वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये सभी आपके लिए डाटा है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।